मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेशव्यापी नाइट कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक जिला देवास संपत उपाध्याय के मार्गदर्शन में गुंडा बदमाशों की आकस्मिक रात्रि चेकिंग, फरार आरोपियों स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु विशेष कार्यवाही के अंतर्गत थानों के लिए नाइट कॉम्बिंग गश्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी दौरान देर रात पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी देवास पहुंचे, जहां उन्होंने बीएनपी थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारियों से कॉम्बिंग गश्त की जानकारी ली। साथ ही पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों, नए अपराध कानून के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में प्रगति की जानकारी ली। वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकाश भूरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात हर नारायण बाथम के निर्देशन में 4 DSP, रक्षित निरीक्षक, 23 थाना प्रभारी, लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारियों के बल के साथ मौजूद रहे। वहीं जिले में थानावार टीमों का गठन कर रात्रि में जिले के थाना क्षेत्र में नाइट कॉम्बिंग गश्त के दौरान समस्त थानों के द्वारा स्थायी वारंटी विवेचना में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, वारंटों की तामीली, गुंडा हिस्ट्रीशीटर एवं जेल रिहाई की चेकिंग की गई। वहीं इसी क्रम में लगभग 70 वाहन चालकों के विरुद्ध अमानक नंबर प्लेट एवं बिना नंबर प्लेट, बिना सीट बेल्ट एवं हेलमेट वालों के विरुद्ध, मोटर व्हीकल एक्ट एवं शराब पीकर वाहन चलाने के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। कॉम्बिंग गश्त समय समय पर की जाती है। कुछ दिनों पहले ही देवास शहर में कॉम्बिंग गश्त की गई थी, जिसका काफ़ी प्रभावी अच्छा रिजल्ट रहा। प्रदेश स्तर पर आज की रात ये कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। इसमें मुख्यतः हमारे ऐसे वारंटी या अच्छे गुंडा जो दिन में नहीं मिलते हैं, उनकी तलाश का प्रयास पूरी चेकिंग करेगी। इसके अलावा पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग नहीं लगेगी, जिसमें संदेहियों की तलाश की जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव के जो बात वाहन चलते हैं उसके संबंध में चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी वगैरह से आम चीज़ कोई अवैध चीज़ों का परिवहन इत्यादि भी पॉइंट मिलता है, तो उसको भी कवर की जाएगी। सर, लगातार शहर में पुलिस रात्रि गश्त भी अच्छे से कर रही है और एक अलग ही माहौल पुलिस का बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पुलिस की टीम तो निश्चय बधाई का पात्र है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। हमारी गश्त की टीम में दबल हुए हैं, सप्ताह में अधिकारी दो रात गश्त कर रहे हैं ताकि शहर सुरक्षित तरीके से हो सके, कठिनाई न हो, और उसी कार्यक्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है और पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि आज की रात भी हमारा जो ऑपरेशन कम्प्लीट कर सकें। सर, लगातार पुलिस दल कॉम्बिंग गश्त की जा रही है और ऑपरेशन प्रहार भी चलाया जा रहा है, और इस तरह से देखा जाए तो लगातार रात्रि गश्त भी की जा रही है, इसको शहर को अपराध मुक्त और जिले को अपराध मुक्त रखना पुलिस का एक प्राथमिक दायित्व है। हमारे जो भी संसाधन और व्यक्ति हैं, हमारे स्टाफ हैं, सभी लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं और पूरे जोश भरोसे मोटिवेशन के साथ अपना लगातार ड्यूटियों को संपादित कर रहे हैं। इसकी वजह से हमको सफलताएँ भी मिली हैं। कई सारी घटनाएं जो हमें उनको डिटेक्ट किया गया, बहुत सारी घटनाएं रोकी गई हैं, कई घटनाएं जो रोकी हुई, तो पूरा पुलिस की टीम सक्रिय है और लगातार अधिकारियों के नेतृत्व। सर, अभी कितने जवान और कितने अधिकारी की टीम पूरे जिले में अभी लगी हुई है? सर, पूरे जिले में लगभग 1000 के लगभग अपने स्टाफ अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें न केवल देवास मंत्रालय में बल्कि जो हमारे देहात के थाने हैं, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र में मावट से लेकर हर गाँव, खाते गाँव, कन्नौज, उदयनगर, बागली, सोनगढ़, पटवा, हर थाने में। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।